हेलो और नमस्कार दोस्तों, आप सबको मैं स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल ट्रेडिंग जैकपॉट पे। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही बेसिक स्ट्रेटेजी के ऊपर, अगर जो कि आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकता है अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं। इसको आप पोजिशनल में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे पहले मैं कंग्रेचुलेट करता हूं और मेरी तरफ से लख लख बधाइयाँ जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुक किया हुआ है। एवरीडे जो 5,000 से 7,000 तक का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और पोजिशनल कॉल में भी हम लोगों ने इस बार 50,000 से ज़्यादा का BPCL में प्रॉफिट बुक किया हुआ था। 63,000 का भी एक मेंबर ने प्रॉफिट बुक किया हुआ था। तो काफ़ी अच्छा जो हमारा अभी इंट्राडे में भी हम लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अदानी पोर्ट्स क्यूमिंस इंडिया इंफ्राटेल में भी अच्छा प्रॉफिट बुक किया हुआ था। सो दोस्तों, अब चलते हैं हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर। ये जो है ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। इसके लिए मैंने ट्रेडिंग व्यू में हमेशा यूज़ करता हूँ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं जो है 3 इंडिकेटर्स लगाने वाला हूँ, MACD और स्टोकास्टिक और एक मूविंग एवरेज जो मैं यूज़ करूँगा ये 9 का है, इसको मैं कर दूँगा 50। इसका कलर को ब्लू रहन देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लू ही लेट इट बी 50 ब्लू कलर, ओके। और MACD में जो है दोस्तों, इसमें देखिए MACD सिग्नल लाइन को मैंने रिमूव कर दिया और हिस्टोग्राम को जो है मैंने एरिया में कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों मैं ज़्यादा जो है डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, जैसे कि MACD क्या होता है, सिग्नल लाइन क्या होता है, ये जो है स्टोकास्टिक क्या होता है, ये मूविंग एवरेज क्या होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग, ये थोड़ा जो है ना, ये आप यूट्यूब में जो है बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पर इनके बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। तो मैं थोड़ा ज़्यादातर स्ट्रेटेजी के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ, ना कि ज़्यादा इनके जो है इनके बिहेवियर इनका जो है डिटेल में। मैं मतलब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो इसको मैं थोड़ा अभी के लिए अवॉइड कर रहा हूँ। आप YouTube में जाइए, आप आराम से आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स मिल जाएंगे जहाँ पर इनके बारे में आप ज़्यादा रिसर्च कर पाएंगे। सो इस वीडियो पर हम लोग फोकस कर रहे हैं एक सिंपल और बेसिक स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो हमारा ध्यान उसी में ही रहना जो है बेटर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये कोई भी अभी मैंने रिलायंस का पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो अगर ये मूविंग एवरेज 50 के ऊपर है, ओके, देन मैं जो है मैं बुलिश रहूँगा, मैं बाय करने की कोशिश करूँगा ना कि सेल करने की। और अगर ये मूविंग एवरेज 50 के नीचे कैंडल्स बनते हैं तो मेरा जो फोकस रहेगा ये रहेगा आपके सेल के ऊपर, ना कि बाय के ऊपर, ओके। तो अगर हम लोग रिलायंस को देखते हैं दोस्तों, तो आप देखिए कि रिलायंस काफ़ी दिनों से जो है ये पॉजिटिव था इन अप ट्रेंड, राइट, ओके। तो मैं अभी इसमें प्राइस सेक्शन की बात करना मेरे लिए गलत रहेगा, मैं क्योंकि इस वीडियो में ना मैं प्राइस सेक्शन के ऊपर मैं जो है एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पर हम लोग उतना फोकस नहीं करेंगे। जब भी दोस्तों आप कभी भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं ना, तो कभी भी एक इंडिकेटर यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इंडिकेटर जो होते हैं ना, ये जो है जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है इन चीज़ों के ऊपर, हमेशा जो है आप ना मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज़ कीजिए। सो आप हम लोग जो हम लोगों ने लास्ट ट्रेड में जो भी कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया हुआ था, तो उसके ऊपर भी हम लोग एनालाइज करेंगे कि हम लोगों ने क्यों और कैसे उसमें लिया हुआ था, ओके। सो लेकिन अभी के लिए इसमें थोड़ा ज़्यादा हम लोग फोकस करते हैं। तो अभी देखिए, अगर आपको सेल करना है तो आपको 3 सिग्नल चाहिए होंगे, 3 सिंपल सिग्नल्स। तो जो पहला सिग्नल है, देखिए दोस्तों, जब ये यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं नीचे की तरफ, और आपको वेट करना है, ये 15 मिनट का है टाइम फ्रेम, ओके, कि अगर ये ब्रेकआउट, अगर ये ब्रेकडाउन देता है, अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तभी आपको सेल करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक रेड बना दिया तो आपने उसको सेल मार दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये रेड बनेगा, एक ब्रेकडाउन देगा, तभी आपको सेल लेना है। सेकेंड सिग्नल होता है यहाँ से, देखिए एक नई डाउन ट्रेंड की शुरुआत, और थर्ड होता है स्टोकास्टिक में इधर, ठीक है। आज दोस्तों है, पकड़ लीजिए ये 30 है, ये 29 का है, ये कल का ट्रेड है, राइट। तो यहाँ से देखिए, इसने एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत हुआ, ओके, इंट्राडे में, और यहाँ से इसने इसको MA50 को ब्रेक डाउन किया, और यहाँ पर हमको सिग्नल मिला, यहाँ पर हमको सिग्नल मिला। तो ऐसी जगह पर ना आपको सेल करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस जो रखेंगे इस कैंडल के ऊपर में रखेंगे, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, राइट।
और जो आपका टारगेट रहेगा आप इसका डबल को टारगेट कर सकते हो। लेकिन आप अगर 1:1 में अगर रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर आप 1:1 करते हो तो इसी पॉइंट में ही आप जो है 1:1 का टारगेट भी लगा सकते हो और सेकंड टारगेट डाल सकते हो 1:2 के ऊपर। जैसे कि पकड़ लीजिए अगर ये हो गया आपका एंट्री अगर यहाँ पर होता है 1568 और ये हो गया 1579, सो अराउंड 10 पॉइंट का ये है, तो आप यहाँ पर 10 पॉइंट से 20 पॉइंट का आप टारगेट रख सकते हो। अदरवाइज आप और एक चीज़ भी कर सकते हैं, जब से ये रिवर्स लेना स्टार्ट करता है यहाँ पर आप देखिएगा, जब से ये यहाँ पर जब ये रिवर्स लेना स्टार्ट किया है ना, ये वाला चीज़ यहाँ पर देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है इस जगह पर, ठीक है। तो अभी हम लोग और थोड़ा देखते हैं कि हमारा बाय कॉल कहाँ जनरेट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी एक थोड़ा अच्छा बाय कॉल जनरेट हुआ था, अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो दोस्तों यस देखिए यहाँ पर एक बाय कॉल का जनरेट हुआ था। लेकिन ये इसमें क्या है दोस्तों कि इसने एक अच्छा सिग्नल दिया हुआ है, इस ये भी अच्छा सिग्नल दिया हुआ है राइट, लेकिन ये जो है ये बीच से फिर अप हो गया है, तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हो नहीं कर सकते हो। मैं ट्रेडिंग नहीं करता इस तरह के जो है सिचुएशंस में। मैं जो ट्रेड करता हूँ दोस्तों, मैं हमेशा अगर तीनों के तीनों कैंडल्स अगर मेरे को परफेक्ट सिग्नल देते हैं ना, तभी जो है करने में थोड़ा रिस्क फ्री हो जाता है। देखिए ये देखिए यहाँ पर है अप ट्रेड है, ये डाउन टू अप जाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, ठीक है। MA 50 को टच करके ये बाउंस हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए स्टोकास्टिक भी आपका सिग्नल दे चुका है, तो ये आपका परफेक्ट पोजिशन बनता है। इसमें ज़्यादा तो आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है ना, आपको अगर तीनों इंडिकेटर से अगर आपको कुछ सिग्नल मिलता है तभी आप कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। देखिए ये इस यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना बेहतरीन सिग्नल जनरेट हुआ था देखिए यहाँ पर, ओके। लेकिन ये जो कैंडल है दोस्तों, देखिए अगर आपको इस तरह का कुछ कैंडल दिखे ना, एक बड़ा सा कैंडल, लेकिन इसमें देखिए ये MA 50 के ऊपर है राइट, और यहाँ पर देखिए ग्रीन भी मतलब जो है आपका बुलिश सिग्नल भी बन रहा है और इसने भी सिग्नल दे दिया है, तो ये एक बहुत ही अच्छा सिग्नल होता है। लेकिन क्योंकि कैंडल काफ़ी बड़ा है तो आपको वेट करना है, आपको वेट करना है कि ये थोड़ा कूल डाउन हो, थोड़ा नीचे आए और नीचे आके ना फिर से अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये एक कॉप एंड हैंडल भी बना रहा है, तो अभी उस पैटर्न के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, अभी बात करेंगे सिंपल स्ट्रेटेजी के ऊपर। सो सिंपल स्ट्रेटेजी है, अगर आपको किसी बड़े कैंडल अगर में अगर ये सिग्नल मिलता है, देखिए ये एक बहुत बड़ा कैंडल बन गया है, तो ना आप अगर पहले से अगर अपना पोजिशन बना लिया हो यहाँ पर राइट, तो कोई बात नहीं। और ये जो कैंडल देखिए ये 9:15 का कैंडल है राइट, 9:15 का कैंडल है, तो जो है आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, आइदर इसके कूल डाउन हो के फिर से ये पॉजिटिव में जाए, तो आपका एंट्री पोजीशन दो जगह पर दोस्तों बनता है। अगर आप आइदर आप जो है आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं अपना वन, और जब ये ब्रेकआउट हो जाए यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं क्यूमिंस इंडिया की, जिसमें हम लोगों ने भी जो है लिया हुआ था सेल का, हम लोगों ने लिया हुआ था। देखिए कि अब जैसे हम लोग अगर इसको देखते हैं क्यूमिंस इंडिया को, सो क्यूमिंस इंडिया का जो था हम लोगों ने क्यों इसको कॉल लिया, देखिए ये क्लियरली डाउन ट्रेंड में था राइट, ये क्लियरली डाउन ट्रेंड में था, इसमें सोचने वाली कुछ बात है नहीं। ये जो है तो जो कल का मार्केट था ये थोड़ा जो था मतलब उतना, कल का मार्केट आप लोग को पता है उतना ये नहीं था, मतलब अचानक से जो है मार्केट बियरिश हो गया था, तो इसमें एक लो रिस्क ट्रेड यहाँ पर जनरेट हो रहा था, क्योंकि मैं देख रहा था कि यहाँ देखिए एक बन रहा है, ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है, तो यहाँ पर ये इसने ना एक तो ये बियरिश है डेफिनेटली, क्योंकि देखिए ये जो है मूविंग एवरेज 50 के नीचे ट्रेड कर रहा है, उसके बाद देखिए ये एक रेजिस्टेंस में एक लाइन ने बना के ये जो है नीचे आ रहा है राइट, ये नीचे आते जा रहा है हमेशा, तो इस तो मैंने इसमें देखिए यहाँ पर राइट, इसने एक चैनल बनाया बनाया हुआ है, तो मैंने क्या किया था, तो ये वाला जो था ना दोस्तों, ये 12 बजे का कैंडल ये वाला बना नहीं था उस टाइम राइट, तो उस टाइम क्या हुआ कि जब ये
देखिए यहाँ पर इसने नीचे बनाने की कोशिश, जब इसने इसको टॉच किया, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को दो सिग्नल्स मिल गए थे ऑलरेडी, यहाँ पर मेरे को दो सिग्नल्स मिल गए थे, एक कि ये जो है एक रेजिस्टेंस से बैक करने की कोशिश कर रहा है हमेशा, राइट, यहाँ पर, और दूसरा था ये वाला यहाँ पर, और मैंने इसको कंसिडर नहीं किया था क्योंकि ये क्लीन डाउन ट्रेंड था, तो जो है मेरे को एक छोटा सा प्रॉफिट के लिए मैं जो था इसमें हम लोगों ने एंट्री किया हुआ था, और हम लोगों ने वही 2-3 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल गए थे क्यूमिंस इंडिया में, अराउंड 1128 का प्रॉफिट लेके हम लोग, वही 300-400 क्वांटिटी का ये ट्रेड था, तो 3-4 पॉइंट लेके हम लोग यहाँ पर निकल गए थे, राइट। तो ये एक अच्छा हम लोग का ट्रेड बना हुआ था कल, सिंपल सा ट्रेड, लो रिस्क ट्रेड दोस्तों इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी, आप तो थोड़ा बैक टेस्ट कीजिए, देखिए यहाँ पर देखिए, ओके दोस्तों ये टॉच कर रहा है, ठीक है, लेकिन देखिए आपको ना और एक चीज़ थोड़ा ध्यान देना है, जब ये ऊपर जा गया, देखिए जब ये ऊपर आ गया, लेकिन यहाँ पर स्टोकास्टिक जो है ना ये ओवरबॉट का सिचुएशन में आ गया है, तो यहाँ पर थोड़ा एवॉइड कीजिए ट्रेडिंग को, और इन टाइप के कैंडल को भी ना आप पूरा एवॉइड कीजिए। तो दोस्तों हमेशा अच्छे अच्छे जो होते हैं ना, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ही आप हमेशा कोशिश कीजिए, आप बैंक्स को पकड़िए जो है ना, इसमें काफ़ी अच्छे आपको जो है मुनाफे की ये पॉसिबिलिटी रहते हैं, और इस टाइप के देखिए जो बन रहे कैंडल, जो एक रेंज बाउंड में काम कर रहे हैं ना, इनको थोड़ा अवॉइड कीजिए। आप हमेशा देखिएगा जहाँ पर MA50 जो है वो ऐसे अप डायरेक्शनल और डाउन डायरेक्शनल रहेगा तभी आप ट्रेड कीजिए, और बड़े बड़े कैंडल्स और जहाँ पर बड़े बड़े शेडोज बनते हैं उन टाइप के कैंडल में ट्रेडिंग कभी भी मत कीजिए, ये काफ़ी रिस्की होता है और इसमें आपके लॉस करने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो मैं अपना जो है व्हाट्सएप नंबर भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जो भी है आपका डाउट्स है क्वेश्चंस है आप उसको मेरे से पूछिए, और मैं और आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और मैं जो है मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके सारे प्रश्न का उत्तर दे सकूँ। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।